छिंदवाड़ा जिले के माहौलझीर थाना अंतर्गत ग्राम बोदल कछार में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक सरफरे युवक ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी एवं खुद ने फांसी लगा ली। इस घटना के बाद प्रदेश की पीएचई मंत्री संपत्या उके ने छिंदवाड़ा जिले के बोदल कछार पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात करके सांत्वना दी। वहीं हादसे में परिवार की 2 बहनें बच गई जो विवाहित थी और अपने ससुराल में थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से परिवार को 10 लाख और घायल बालक को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 10-10 हजार और तत्कालीन सहायता के तौर पर 50-50 हजार रुपए और घायल के तत्काल इलाज के लिए 50 हजार के चेक पीएचई मंत्री ने पीड़ित परिवार की बहनों को सौंपे। उन्होंने शासन की तरफ से घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया, देर शाम सभी का अंतिम संस्कार भी किया गया। बता दें कि छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक के बोदल कछार गांव में कल रात के एक सिरफिरे युवक ने अपने परिवार के 8 सदस्यों की हत्या करके फांसी लगा ली थी। जी अभी हम लोग बोदल कछार में यहाँ पे जो मृतक परिवार है उनकी घर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ जैसे दुख सहने की उनको क्षमता दे और मृतक आत्मा को शांति दे। और अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तत्काल पे हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपया दिए हैं और 50-50 हजार रुपया उनकी दोनों बहनों को और जो घायल है जो हॉस्पिटल में जो घायल के रूप में वहाँ पे अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको हम लोग 50 हजार दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपया देने की घोषणा और जो इलाज के अलावा 5 लाख रुपया वो जो अस्पताल में वो घायल है बच्चा उसको 5 लाख रुपया देने की घोषणा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ही मैं यहाँ पर प्रतिनिधि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग जाकर के मौका स्थल पे हमारी पूरी टीम आकर के देखी, वाकई में बहुत दिल दहला देने वाली ऐसी घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या है कहा है कि उच्च स्तरीय इसका जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी। बाकी ये समझ में आ रहा है कि लड़का विक्षिप्त था, सभी लोग वहाँ गाँव वाले भी बता रहे हैं और उनके परिवारजनों ने भी बताया है कि ये विचित्र टाइप का उसका दिमाग ऐसा हो जाता है और उन्होंने ऐसा किया है। तो वाकई में बहुत बड़ी घटना है और मैं पूरे समाज को आश्वस्त करना चाहती हूँ सरकार की तरफ से कि सरकार हमारी बहुत संवेदनशील सरकार है और सरकार ऐसी घटना में हमेशा साथ में खड़ी हुई है और इसलिए हम लोग उनके बीच में उपस्थित हुए हैं। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।